हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस सेंटर स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इस कुर्ती को मैंने साड़ी फैब्रिक से बनाया है और ये जो साड़ी फैब्रिक है ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है। आप चाहें तो इसे स्क्रैप फैब्रिक से भी बना सकते हैं। ये एक हाई स्लिट कुर्ती है और इसका जो स्लिट है वो सिर्फ ऊपर मेन फैब्रिक पर ही है। अंदर की तरफ जो लाइनिंग है उसमें स्लिट नहीं है। तो जो भी ऐसे हाई स्लिट कुर्ती पहनने में कंफर्टेबल नहीं है वो भी इसे आसानी से पहन सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। तो ये रही हमारी साड़ी। ये 5.5 मीटर की साड़ी है और इसमें हम लाइनिंग यूज़ करेंगे वो हम क्रेप की यूज़ करेंगे। ये 3 मीटर की लाइनिंग है और इसमें ये जो लेस है ये भी मैंने मीशो से बाय की थी। ये फेक मिरर लेस है। कुर्ती की डिज़ाइनिंग के लिए हम इसी लेस को यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम लाइनिंग पर करेंगे। लाइनिंग को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब जितनी भी आपके अपर पार्ट की लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्क करें। अब यहाँ तीरे की मार्किंग करनी है। तो मेरे मेजरमेंट में जो तीरा है वो है 7.25 और यहाँ नीचे की तरफ भी हम 7.25 पर मार्क करेंगे। अब ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ 7.5 पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से पीछे की तरफ 1 इंच पर मार्क करके इसको भी इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन के लिए गले की ब्रॉडनेस आपको जितनी भी मार्क करनी है 2.5 से 3 इंच वो मार्क करेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर बस्ट की मार्किंग करनी है तो 1/4 ऑफ योर बस्ट और जो आगे का है वो 1.5 से 2 इंच बढ़ेगा सिलाई मार्जिन। अब यहाँ करनी है वेस्ट की मार्किंग 1/4 ऑफ योर वेस्ट, 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है डार्ट्स के लिए और आगे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। इस मार्जिन को हम यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और इस तरफ से हम 3.5 इंच पर डार्ट की मार्किंग करेंगे। ऊपर से जितनी भी आपकी डार्ट की लेंथ है 10-10.5 इंच पर वो मार्क करनी है और इसको सीधा मिला देना है। इस पॉइंट से दोनों तरफ 0.5-0.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से मिला देना है। और यहाँ वेस्ट पर स्केल की हेल्प से इस तरह से हमें हल्का सा गोलाई में मार्क कर लेना है। ये देखिए, अब ऊपर की तरफ यहाँ पहले बैक आर्म होल की शेप दे लेंगे फिर फ्रंट आर्म होल की। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग के बाद हम इसी पार्ट को आगे वाले फैब्रिक पर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए उसके ऊपर रख देंगे और ऊपर की तरफ से हमें सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी हमारी कटिंग सेम यही रहेगी, इसके बराबर हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से हमारी जो फ्रंट आर्म होल की मार्किंग है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारी कटिंग सिर्फ ऊपर वाले फैब्रिक पर रहेगी और जो भी आपके फिटिंग के मार्क्स हैं, डार्ट के मार्क हैं, उन सबको हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो स्कर्ट पार्ट की कटिंग के लिए जो भी आपके पास लाइनिंग का फैब्रिक बचा है उसको पहले डबल फोल्ड में बिछाएं, फिर उसको इस तरह से एक साइड से पकड़ते हुए उसको ट्रायंगल शेप में बिछा लें। ये देखिए, इस तरह से हम अपने फैब्रिक को बिछा लेंगे। अब यहाँ पर मार्किंग करने के लिए आपको लेना है अपना फुल वेस्ट राउंड। यहाँ पर मेरा फुल वेस्ट राउंड है 34, उसको हम डिवाइड करेंगे 3.14 से तो हमारे यहाँ पर निकल के आएगा 10.5। तो हमें यहाँ से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ 10.5 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए, इस तरह से हम ऊपर से उसको इंची टेप को पकड़ के रखेंगे एक ही जगह पर और 10.5 पे मार्क करते जाएंगे। फिर इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। अब जितनी भी आपकी अपर पार्ट की लेंथ है, जैसे कि यहाँ पर मेरी अपर पार्ट की लेंथ है 15 इंचेस, तो इंची टेप को मैंने इस लाइन पर 15 इंचेस पर रखा हुआ है और नीचे की तरफ जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ है उससे 1 इंच कम हम लाइनिंग की लेंथ पर मार्क करेंगे। जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ होगी, जैसे कुर्ती की लेंथ है अगर आपकी 44 तो लाइनिंग पर हम मार्क करेंगे 43 इंचेस। लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक से 1 इंच कम रखेंगे और ये जो मार्किंग है आपको पूरे पर इस तरह से करते जाना है। इंची टेप को पूरा बराबर ऊपर उसी तरह से रखते जाना है और यहाँ नीचे हमें पूरा मार्किंग करते जाना है। अब यहाँ पर हमने जो भी मार्किंग की है उसी मार्किंग पर हम कट कर लेंगे। यहाँ नीचे की तरफ हमारा फैब्रिक थोड़ा ऊपर वाला कम है तो हम अपने ये जो फैब्रिक हमारा बचा है इस फैब्रिक को हम यहाँ पर
इसके नीचे की तरफ इस तरह से प्लेस करेंगे। ये देखिए, एक इंच कम से कम आपको ऊपर की तरफ रखना है और इसको इसके बराबर ही हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ये जो हमारा जॉइंट है ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से आएगा। अब ऊपर की तरफ जो मार्किंग है उसको भी कट कर देंगे। यहाँ से हमारा फैब्रिक जॉइंट है तो इसको भी हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। इस तरफ से जो हमारा फैब्रिक है ये कन्नी वाली साइड है, ये यहाँ पर खिंचाव बिल्कुल भी नहीं है। और जो इस तरफ है ये ओरेव साइड है और ये काफ़ी कपड़ा हमारा खींचता है, तो इसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा खींच कर इसको हमें नीचे से कट करना होगा। तो पहले हम देखिए इस तरह से इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर से पूरा बराबर रखना है और नीचे की तरफ इसको हल्का सा आपको खींचना है। अब आपका जितना भी फैब्रिक नीचे एक्स्ट्रा आएगा उसको हम कट कर देंगे। अपर पार्ट के लिए हमने जो लाइनिंग कट की थी उसको अब हम अपने मेन फैब्रिक पर रखते हुए इस तरह से उसको भी कट कर देंगे। ये है हमारा बैक पार्ट, इसको हम कट कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये वाला, इसको भी हम इसी तरह से कट कर देंगे। अब हम जो साड़ी का बचा हुआ फैब्रिक है वो लेंगे। यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है, तो जो भी आपका टोटल वेस्ट राउंड है 34 था इसमें मेरा, तो उसको हम हाफ़ करेंगे तो हमारा आएगा 17, मतलब कि सिर्फ आगे की तरफ से हमारा कितना आएगा 17, तो 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 51। तो हमें यहाँ पर साड़ी में से 51 इंचेस के दो पीसीस कट करने हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से मेज़र कर लेंगे, ये मैंने यहाँ पर मार्क किया और इसको मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करूँगी। ये देखिए, इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर मैं बिछा लूँगी। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाने के बाद यहाँ से हम सीधा कट कर देंगे। अब देखिए, फैब्रिक को मैंने सीधा कट करने के बाद ये देखिए बाहर यहाँ पर उसको इसी तरह से बिछा लिया है डबल फोल्ड में। अब यहाँ पर हमें अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग भी इसको कट करना है, तो 15 इंचज़ का हमारा जो अपर पार्ट था वो हम यहाँ से निकाल देंगे और 15 इंचज़ के नीचे से जितनी लेंथ है हमारी कुर्ती की वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इसको यहाँ से सीधा कट कर देंगे। अब इसके बाद जितनी भी साड़ी हमने ये जो कट की है, इस साड़ी को हम बीच में से सेंटर में से कट कर लेंगे, तो हमारे पास 51 इंचेस के दो पीसीज आ जाएंगे। 51 दो पीसीज आ जाएंगे। अब एक पीस को हम यहाँ से अलग कर देंगे और जो एक पीस हमारा फैब्रिक का बचेगा उसको हम इस तरह से बिछाएंगे, इसको भी हम सेंटर में से कट कर देंगे। तो ये हमारे एक हमारा हो जाएगा 51 इंचेस का एक पीस हो जाएगा और जो दूसरा हमारा 51 इंचेस का पीस होगा उसको हम सेंटर से कट कर देंगे, तो वो हमारे दो पीसेस हो जाएंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक को मैंने ऐसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है और जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। आगे स्लीव राउंड जितना है उतना मार्क करना है और 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से 3.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करके अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरह से, और इसको नीचे वाले पॉइंट से हम मिला देंगे और यहाँ ऊपर से 2.5 से 3 इंच पर मार्क करके इस तरह से शोल्डर के इसको शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम यहाँ से स्लीव्स को कट कर लेंगे, यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पे हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है फोल्डिंग के लिए। यहाँ शोल्डर कट लगाना है और ये हमारा सेंटर कट होगा और ऊपर के सिर्फ हमें 2 लेयर्स उठा के फ्रंट आर्म होल की हमें शेप दे देनी है। अब स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम अपना नेक रेडी करेंगे। तो नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3 इंच और डीप आपको जितना चाहिए उतना मार्क करें, मैंने 6.5 पर मार्क किया है। इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, फिर जो भी नेक की आपकी लंबाई है उसका हाफ लेके यहाँ से हल्की सी आपको राउंड वी में शेप देनी है।
शेप देने के बाद हम नेक को कट कर लेंगे। नेक कट करने के बाद हम लाइनिंग पर मेन फैब्रिक को रखेंगे इस तरह से, और जो जिसका नेक है वहाँ पर एक पैर के मार्जिन से हम इस पर नेक पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और फिर इस फैब्रिक को हमें पलट लेना है। इस तरह से फैब्रिक को पलटने के बाद हम नेक पर एक टॉप स्टिच और लगा देंगे ताकि ये नेक अच्छी तरह से बैठ जाए। इसके बाद हम बैक पार्ट का भी नेक रेडी कर लेंगे, और बैक नेक की डीपनेस मैंने 3.5 इंच तक रखी है। अब यहाँ पर इसके दूसरी तरफ भी हमें डार्ट की मार्किंग करनी है और इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। बैक पार्ट भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने डार्ट्स भी बना लिए हैं, और साइड से इसको फैब्रिक को हमने कच्चा कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हमारा जो निकल रहा है इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके जो स्कर्ट वाला पार्ट है लाइनिंग का, उसको देख लेंगे वो कैसे स्टिच करेंगे। ये जो हमने जॉइंट्स इसके कट किए थे, ये देखिए इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए पिन लगा लेनी है और उसके बाद इसको स्टिच कर लेना है। जॉइंट्स भी हमारे स्टिच हो गए हैं। अब हम लेंगे कुर्ती का बैक पार्ट और उसको इस तरह से उल्टा रखेंगे, और जो हमारा स्कर्ट पार्ट है उसको भी हम इस तरह से रखेंगे। ये हमारी लाइनिंग की राइट साइड है, और ये जो बॉडी पार्ट है ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से रखना है, और इसके ऊपर जो हमारा 51 इंचेस वाला जो लंबा फैब्रिक पीस था उसको हमें इसके ऊपर रख कर यहाँ पर हमें छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। साइड्स में से हमें 1.5 से 2 इंच फैब्रिक ऐसे ही प्लेन छोड़ देना है, और उसके आगे हमें प्लेट्स डालनी है। ये देखिए इस तरह से पूरे फैब्रिक पर हम प्लेट्स डाल देंगे, और यहाँ पर भी 1.5 से 2 इंच फैब्रिक ऐसे प्लेन छोड़ देंगे। ये देखिए प्लेट्स मैंने डाल ली हैं। ये देखिए ये फैब्रिक, ये जो हमारी कुर्ती है ये अंदर की तरफ से भी इस तरह से दिखेगी, और ये जो हमारा ये रफ़ पार्ट है ये हमारा कुर्ती के अंदर छिप जाएगा। ये हमें कुर्ती की राइट साइड से और कुर्ती की जो बैक साइड जो होगी उस तरफ दोनों तरफ से हमें नहीं दिखेगा। अब इसी तरह से हमें अपने फ्रंट पार्ट को भी तैयार करना है। जहाँ से हमने 51 इंचेस वाले फैब्रिक के 2 पीसेस कट किए थे वहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड करके दोनों फैब्रिक को स्टिच लगा लिया है। अब हम अपने फैब्रिक को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पे हमें प्लेट्स डालनी हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने फैब्रिक पर लेस लगानी होगी। तो हम लेस कैसे लगाएंगे, लेस हम लगाएंगे कुर्ती के नीचे की तरफ से। तो ये जो हमारा फैब्रिक है यहाँ नीचे की तरफ से हम लेस लगाना शुरू करेंगे, और लेस लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमें 1/2 इंच फैब्रिक ऐसे ही छोड़ देना है। बस हमें लेस वहीं तक लगानी है, फिर ऊपर हमें यहाँ पर हम पहले मेज़र कर लेंगे कि हम यहाँ पर हमारी लेस कितनी आएगी, और फिर उसको मेज़र करके हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हम लेस के 2 पीसेस कट कर लेंगे। अब लेस को कट करने के बाद इसको मैं फैब्रिक पर अटैच कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच फैब्रिक ऐसे ही छोड़ दिया है, बाकी हमने लेस अटैच कर ली है। ये लेस मैंने यहाँ पर देखिए दोनों तरफ अटैच कर ली है। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे अटैच करेंगे। हम अपने फैब्रिक को रखेंगे इस तरह से अपने फ्रंट साइड को, और उसके ऊपर रखेंगे ये जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है उसको उल्टा रखेंगे। लेस को हम नीचे की तरफ इसको बाहर की तरफ कर देंगे ताकि हमारी स्टिचिंग में लेस ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रख कर ये हमें प्लेट्स डालनी है, और प्लेट्स की डायरेक्शन इस तरह से रखनी है कि जो प्लेट्स का मुंह है वो दोनों अंदर की तरफ आए, एक ही साइड आए। अब ये देखिए फैब्रिक को हमने यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लिया है। आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको जो लेस के पास जो प्लेट्स आपने डालनी है वो लेस से
आधा से पौना इंच थोड़ी दूर डालनी है। अगर आप इसके साथ ही प्लेट्स डालेंगे तो वो जो हमारा फैब्रिक है वो लेस के ऊपर चढ़ेगा और आप जब कुर्ती वेयर करेंगे तो वो सामने से लेस जो है वो विजिबल नहीं होगी इतनी। अब देखिए यहाँ पर हमने सेंटर मार्किंग कर ली है। अब हम अपनी लेस को यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रखते हुए ये देखिए इस तरह से रख कर ही हमें इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी लेस अटैच हो चुकी है। उसके बाद जो हमारी यहाँ पर स्लीव्स हैं, स्लीव्स पर भी हमने यहाँ आगे की तरफ लेस लगा ली है। अब कुर्ती का बैक पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से शोल्डर अटैच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से साइड्स में से फिटिंग भी दे देंगे। ये देखिए मैंने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी फिटिंग की सिलाई भी दी है। आगे की फिटिंग की सिलाई हमें किस तरह से देनी है, देखिए सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ से लेके हमें यहाँ नीचे कम से कम हिप तक हमें जो सिलाई लगानी है वो सीधी इसी तरह से लगा लेनी है अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ नीचे वाला जो लाइनिंग का फैब्रिक है और जो ऊपर वाला लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम पीछे कर देंगे और जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हुई है ठीक वहीं से मशीन की सुई हमें वहाँ पर रख के वहाँ से पक्का करते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। मेन फैब्रिक पर सिलाई लगाने के बाद ये देखिए ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ये सिलाई इसकी हम यहाँ बाहर से शुरू करते हुए इस तरह से लगा देंगे तो हमारा ये अंदर का जो लाइनिंग का फैब्रिक है हमारा वो भी अटैच हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे से जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद इन दोनों में फिर हम अपनी कुर्ती के साथ स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद ये देखिए इसका फाइनल लुक। इस कुर्ती के साथ मैंने एक बेल्ट भी रेडी की है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आपको आज का ये साड़ी रिव्यूज़ आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।